यार ये नहीं यार, एक तो मांगा क्यों पड़ी होने यार। नहीं यार ये एनिमे में बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। इससे भाई तुम लॉ की क्रू देखो और फिर ब्लैकबीड की क्रू देखो, मतलब लॉ बेचारा देख लो मतलब क्या ही चल रहा है लॉ की क्रू में। यहाँ से मेन एगर स्टार्ट हो रही है अभी। तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले वन पीस का एपिसोड 1092। बाकी इंटरव्यू और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आज सीधा एपिसोड देखते हैं। ये तो एनिमे ओनली सीन है 110%, क्योंकि बाकी एनिमेशन इतनी अच्छी लगती है मुझे। इतना अच्छा सीन था, एनिमेशन तो इनकी काफ़ी अच्छी हो गया है एड में। काफ़ी लोगों को वानो की पसंद आई, मेरे को पता है। इसके कंपेयर मेरे को इसकी ज़्यादा बेटर लग रही है। लिलिथ अभी कुछ पता है वेगापंक की, मान लो तुम। गलती से निकल गया मेरे मुँह से। मुझे पता 90% लोग तो मांगा ही पढ़ते, लेकिन तब भी उन 10% के लिए बोल नहीं सकता मैं। ये तो मांगा में तो ढंग से पता भी नहीं चला था कि ये काइडो से बड़ी है या इतनी बड़ी है, मतलब इतना ध्यान नहीं देता बंदा। एनिमे में तो साफ साफ पता चलता है, और डिज़ाइन भी एनिमे में 100 गुना बेटर लग रहा है मांगा से। कुछ वेगापंक सही में मेन एक ही वेगापंक होता है, वो ऐसा दिखता, कोई सीरियसली नहीं लेता वेगापंक को। इसको तो पता है सच्चाई बोल रहा, सच्चाई क्या बॉनीज लैमेंटेशन। नो आइडिया क्या मतलब उसका। थके हुए इनको तो वही सीरियसली ले ही नहीं सकता मैं। अब कुछ याद आ रहा है मुझे चीज़ें, सीरियसली लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें याद आ रही है। अच्छा बता रहे हैं फाइनली अब मेरे को नॉर्मल नाम ले सकता हूँ। मैंने जो बोला था अभी तो सही है, स्पॉइल नहीं करा। एडिसा थक ये तो चलो समझ भी आता है एनिमे में ऐसे करना। लेकिन मांगा कितनी बेटर होती है एनिमे से देखा यार। तुम इसको 1 सेकंड में पढ़ लेते हो, यहाँ पे पर ये वो एक एक करके बताते हैं। एनिमेशन अच्छी ना तो बंदा वन पीस का देखे ही ना पेसिंग के बेसिस पे। तो खुद की अच्छे वेगापंक के बोल रहे हैं, मेरे को खुद की तारीफ कर रहे हैं। खुद की इतनी तारीफ करते हैं। लूची बिल्कुल नहीं पसंद मुझे, सारे नहीं पसंद यहाँ पे जो बैठे हैं ना अभी, एक को छोड़ के। एक चेंज कर दिया थोड़ा डिजाइन। ये क्या वो जो कुमा के वो थे, उनको क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट था। इनका थोड़ा डिजाइन चेंज कर दिया सर। लूची ऐसे बैठा है मियोक वाला सीन याद आ रहा है। याद है मियोक वैसे बैठा था। मियोक का 1% भी नहीं है ये, गोबर कहीं का। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद भाई। हाँ वही तो, इनसे पूछो। ये वेगापंक अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तुम्हें कोई सीरियसली ना ले अगर तुम वेगापंक हो। इनसे पूछो कहीं रैंडम आइलैंड पे आए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, और यहाँ पे ऐसे है। लूफी भी वही अलग ही टाइप का कैप्शन है एकदम। ये क्या था, इसको क्या हो गया, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई। ये 110% एनिमे ओनली है। अच्छा जो भी था ये मुझे समझ नहीं आया इसकी नीड क्या थी। मुझे कोई बताना कमेंट्स में कितने मांगा चैप्टर एक एपिसोड में अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आधा भी नहीं लग रहा मुझे सच्ची बताऊँ तो। क्योंकि अभी तक जो हुआ है अभी तक उसका एक मतलब 5% है जो मांगा मटेरियल है, बाकी तो मेरे हिसाब से एनिमे ओनली है सारा। लूफी अगर मेन कैरेक्टर ना होता कितनी जल्दी मर चुका होता, मतलब कसम से बंदा कहीं भी घुस जाता बिना टेंशन के। ड्रैगन का उल्टा है, ड्रैगन हमारा अभी तक कुछ भी प्रेस कर दो मतलब। ये क्या चल क्या रहा है जी, शायद अच्छा कपड़े। हाँ ये मांगा क्या होएगा, लेकिन मांगा में दिखाया नहीं था मेरे हिसाब से। ऐसा एनिमे ओनली सही होता है ना, दिखा रहा है कपड़े कैसे बदले हैं। अब सारे जाएंगे इसमें, अच्छा लगता है लूफी काफी। ये ट्रेलर में भी था ना, ओपनिंग में, मतलब ट्रेलर तो नहीं ओपनिंग। से लूफी ने सारे दबा दिए थे इसलिए उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा, सीधा पहना दिए गए, इनको ऑप्शन मिल रहा है। अच्छा नहीं ऐसी ही है शायद, पता नहीं क्या है। अच्छा नहीं किसी को भी ऑप्शन नहीं मिलता। अच्छा तो आपको सिमिलर स्टाइल ही पहनाए हैं। काश मुझे एज ना पता होती बॉनी की तो कितना बेटर होता सब कुछ। ड्रैगन बॉल कैरेक्टर लग रहा है जिम्बे तो, पता नहीं क्यों। वो वेजिटा की टी शर्ट याद है पिंक वाली, वैसा नहीं लग रहा थोड़ा। हाँ वही तो, यहाँ भी मजे कर रहे हो अपने भाई, तुम इंट्रूडर्स हो। क्या था ये? ठीक है इसकी ऑब्जर्वेशन वगैरह कुछ चल पड़ी क्या? हाँ हाँ देखो कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन हो गई लूफी की, देखे हो? तो यहाँ पे इसके भी कपड़े ऐसे हैं, मैंने मांगा में नोटिस नहीं करा था ये सब। जो पैसिफिस्टा से पैसिफिस्टा के भी इन्होंने एगेड वाले कपड़े बना दिए। इनको ऐसे ढूंढ रहे हैं, पैसिफिस्टा में इनबिल्ट है। वाह तो इसी सीन को दूसरी बार दिखाने की क्या जरूरत थी यार, इनको बोलो पेसिंग सुधारे भाई, ये नेक्स्ट लेवल जा रही है सब पेसिंग थोड़ी। एक बार सही था, पहले तुमने एनिमे ओनली सीन ऐड करा तो दूसरी बार क्यों दिखा रहे हो? लोग इसकी बार बार दिखा रहे हैं। हाँ यार कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन हो गई लूफी की, दिमाग भी आ गया ऐसे लग रहा है थोड़े लूफी में। ऑब्जर्वेशन लूफी के लिए बेस्ट है जितना दिमाग इसमें है। कुमा तेज भाग रहा है बड़ी किधर लूफी पे। मुझे लग रहा है बॉनी उल्टी घूम जाएगी वो पापा वाली चीज की वजह से। नहीं घूमी मैं तो सरप्राइज हूँ। हाँ देखो एक तो तुम्हें जब चीजें पता चलेगी ना, अभी तुम्हें लग रहा है बॉनी क्या कर रही है। लूफी के है तो अब कुछ भी नहीं है यार। एक टाइम पे लूफी कैसे भागा था इससे, हमारी पूरी क्रू ही खैर लूफी क्या। यार लेकिन मैं इसको ब्लेम भी नहीं कर सकता सब कुछ पता होने के बाद ना। ये देखो अभी आने में ओनली वालों को इतना गुस्सा आ रहा है, क्या कर रही है बॉनी इन भाई। बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता मैं यार, तुम जान लो बस चीज़ें, तो हुई समझ जाएगा क्यों कर रही है। नहीं आई नहीं, मेरा नहीं देख सकते बैक स्टोरी आने में। देखो वो पैसिफिस्ट है ना वो, तो यार ये नहीं यार, एक तो मांगा क्यों पड़े होने यार। नहीं यार ये आने में बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। और कितने साइबोर्ग जानते हो तुम भाई? अबे नहीं यार कुमा है नॉर्मल वाला कुमा, मैं नहीं ब्लेम कर सकता तुम बॉनी को बिल्कुल भी सर। लेकिन टफ है भाई अपने पापा जैसे बंदे को देखना मारना, खासकर जब ऐसे पापा हो। लूफी बचा तो ले गई ऑफ कोर्स। अच्छा मेरे कुछ याद आ गया, अब क्या देखने वाले हैं हम। अब स्टार्ट हो रहा है ना एग हेड। ये क्लाउड्स वगैरह भी कितने अच्छे दिख रहे हैं इस वक्त एनिमेशन में, हर एक चीज इतनी अच्छी लग रही है। ब्लैकबीयर्ड अबे ये लॉ फैंस के लिए मतलब बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि इसे भाई तुम लॉ की क्रू देखो और फिर ब्लैकबीर्ड की क्रू देखो, मतलब लॉ बेचारा ही देख लो मतलब क्या ही चल रहा है लॉ की क्रू में। लेकिन यार लॉ ब्लैकबीर्ड की कितनी अच्छी शिप है लॉ के कंपैरिजन में। यहाँ से मेन एगेड स्टार्ट हो रही है। अभी तक ये जो एनिमे में एनिमे ओनली स्टेप चल रहा था ना, मेन एगेड अब स्टार्ट हो रहा है, समझ लो यहाँ से एगेड स्टार्ट होगा। जो इतनी अच्छी हाइप सुनी होगी ना तुमने मांगा की। लेकिन भाई शिप्स का क्या फर्क है भाई, दोनों एक एम्परर टाइप लेवल पे ही है। मतलब देखा जाए तो ये शिप भाई, ये लॉ की तो बहुत ही घटी है ब्लैकबीयर्ड के अगेंस्ट शिप। देखो ये भी है ब्लैकबीयर्ड के पास, स्नाइपर भी है, जानवर भी है, ब्लैकबीयर्ड खुद भी है। अभी तो तीन ही लोग हैं, इसकी तो पूरी क्रू भी नहीं है यहाँ पे। तो जो पूरी क्रू होती थी ये भी है भाई, देख लो ये सब है। और वहाँ क्या है, लॉ बेपो और वो दो फालतू। पार्टी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है अभी। मुझे पता है कितने लोगों का लॉ फेवरेट है बस, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो है सो है। एंडिंग अच्छी करी इन्होंने, एंडिंग सही जगह पे करी है। मतलब वो लगवाते आधा चैप्टर अडेप्ट करवाएगा पूरे इसमें। एक तो इनको भाई पेसिंग बढ़ाओ, देखो यहाँ पे भी कितना टाइम पड़ा है। पेसिंग सुधारे भाई, ये कुछ करे भाई, एक हफ्ता ब्रेक पे फिर एपिसोड निकाले, ऐसा कुछ करे, मुझे नहीं पता भाई, थोड़ी सी इम्प्रूव करे। एनिमेशन इतनी अच्छी, जितनी अच्छी एनिमेशन उतनी गंदी पेसिंग है। एक तो थोड़ी सी तो इम्प्रूव करे भाई, एक चैप्टर तो कर ले पूरा कवर भाई, तो पता नहीं आधा आधा चैप्टर कर रहे हैं मेरे हिसाब से। भाई सही एपिसोड सही था, खासकर एंडिंग अच्छी थी। बाकी उसके अलावा तुम पता ही बहुत बकवास है एपिसोड, सच्ची बताऊँ तो। बाकी अगर तुम वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। आप मुझे देखने, थैंक यू, बाय बाय।